काला चना लिया है, इसे मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखा था, यानी रात भर से मैंने इसे भिगो कर रखा था और ये काफी अच्छे से फूल चुके हैं। अब मैं इसे बॉईल कर लूंगी। मैंने यहाँ एक प्रेशर कुकर ले लिया है, अब मैं इसमें चना ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 1 गिलास भर के पानी ऐड करूंगी। इतना पानी ऐड करना है कि चने जो हमारे वो पानी में अच्छे से डूब जाए। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करने से चने जो हमारे वो जल्दी से पक जाएंगे और अच्छे से फूल जाएंगे, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा भी ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आगे इसकी 3 सीटी ले लेनी है हमें। 3 सीटी हो चुकी है, अब इसकी गैस भी अच्छी तरह से रिलीज हो चुकी है। इसका ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे। चना भी हमारा काफी अच्छी तरह से पक चुका है। चना भी हमारा काफी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है, गैस को ऑन कर लूंगी और इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करूंगी, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज की प्याज कटी हुई। प्याज को मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। प्याज हमारी लाइट गोल्डन फ्राई हो चुकी है। प्याज हमारी लाइट गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें तब तक अच्छे से भूनना है जब तक अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो इसमें से रिलीज ना हो जाए। इसे हमें तब तक अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन भी हमारा काफी अच्छे तरह से भून चुका है। इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसी में सभी सूखे पाउडर मसाले भी ऐड करूंगी। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार। नमक यहाँ मैंने कम ही ऐड किया है क्योंकि चना बॉईल करते समय भी मैंने उसमें नमक ऐड किया था। 1 चम्मच चना मसाला, यहाँ मैंने एवरेस्ट का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि जो मसाले हमारे वो जले ना, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर को बिल्कुल अच्छी तरह से हमें सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखा है और लो फ्लेम पे मैं मसाले को अच्छे से भून लूंगी। मसाला हमारा काफी अच्छे से भून चुका है, तेल भी नजर आ रहा होगा और टमाटर भी हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूंगी, आधा लेमन जूस। लेमन जूस ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर लेमन जूस ऐड करने से चना जो है हमारा वो बहुत ही ज्यादा चटपटा बनता है। तो आप लेमन जूस की जगह इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले में से एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें बॉईल किए हुए चने ऐड करूंगी। इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। सभी चने जो है वो मसाले में अच्छे से लग चुके हैं, फिर भी एक मसाले का जो टेस्ट है वो हमारे चने के अंदर आ जाए, इसीलिए मैं इसे 2 मिनट ढक के रख दूंगी ताकि जो चने हैं हमारे वो बिल्कुल मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 मिनट ही काफी है क्योंकि चने भी हमारे बॉईल हैं, तो सिर्फ हमें इसे मसाले में अच्छे से मिक्स करना है, पकाना नहीं है। तो अब मैं इसे ढक दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, आइए इसे चेक कर लेते हैं।
चना जो है वो मसाले में अच्छे से लग चुका है, बन के तैयार है हमारे चटपटे चने। अब मैं यहाँ गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे गर्मा गर्म सर्व करूंगी। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे थोड़े से टमाटर से, हरी मिर्च और थोड़े से हरे धनिया के साथ और आधा लेमन जूस रख देंगे। बन के तैयार है हमारे चटपटे चने। इसे रमजान के मौके पे इफ्तार में जरूर ट्राई कीजिएगा, ये हमें सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की नई नई वीडियो से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।